तो गाइस सभी को राम राम। एंड गाइस आप लोग जो स्क्रीन पे इमोट देख रहे हो राम राम वाला, यार इस इमोट को मैं राम राम वाला इमोट कहूंगा। बाकी आप लोग इस इमोट को क्या नाम देना चाहते हो, क्या बोलोगे आप इस इमोट को, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। तो ये जो आप इमोट देख रहे हो आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है दिवाली इवेंट में। और इसी के साथ आपको एक बंडल भी बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है दिवाली इवेंट में। अरे बाबा, जैसे गाइस आप सभी को पता है पिछली बार हमें दिवाली इवेंट में एक बंडल मिला था जो कि यार सूरवीर की तरह ही था, तो उससे तगड़ा बंडल अब की बार हमें दिवाली इवेंट में मिलेगा जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और यही नहीं गाइस, आपको इसके साथ में कई और सारी चीजें बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है दिवाली इवेंट में, जो कि आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो हेलो गाइस, तो कैसे हो सब लोग, उम्मीद करूंगा मस्त हो गए। यार आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई दिवाली इवेंट के ऊपर वीडियो ला दो, तो यार तभी से मैंने यहाँ पे दिवाली इवेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी स्टार्ट कर दी। एंड आज की इस वीडियो में आपके सामने जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लाने वाला हूँ दिवाली इवेंट के रिगार्डिंग, कौन कौन चीज़ आपको फ्री में मिलने वाली है और क्या क्या चीज़ें रिटर्न आएंगी दिवाली इवेंट के आसपास, और मैजिक क्यूब में आपके कौन कौन से बंडल रिटर्न आने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा देखें। एंड गाइस अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो मेरे यार, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना। तो चले गाइस वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले तो गाइस हम यहाँ पे बात कर लेंगे अपने वैनम इवेंट के बारे में, क्योंकि यार बहुत लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन है वैनम इवेंट को लेकर कि भाई वैनम इवेंट हमें यहाँ पे कैसे कंप्लीट करना है और जहाँ पे हमें मेल बंडल मिल रहा है उसे हमें कैसे क्लेम करना है। तो गाइस यहाँ पे जो वैनम इवेंट है उसका कैलेंडर आ चुका है, 16 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक इवेंट चलने वाला है। और गाइस यहाँ पे आप लोग देख लो हमें एक यहाँ पे मेल बंडल जो है बिल्कुल फ्री में दे जा रहा है, जो कि यार आप लोग देख लो बिल्कुल खतरनाक मुझे तो देखने में लग रहा है। एंड गाइस यहाँ पे आप लोग देखो एक बैकपैक की स्किन है जो कि यार आप लोग यहाँ पे देख सकते हो खतरनाक लग रही है। एंड गाइस यहाँ पे एक हेलमेट है जो कि मुझे ठीक ठाक लग रहा है देखने में तो। बट यार यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन यह है कि भाई ये जो मेल बंडल मिल रहा है ये कैसे मिलेगा, मतलब हम इसे कैसे क्लेम कर सकते हो। तो गाइस इसके लिए आपको टोकन यहाँ पे कलेक्ट करने होंगे जो कि गाइस 16 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक आप इन्हें क्लेम कर सकते हो कुछ मिशन कंप्लीट करके। तो यहाँ पे पहला मिशन जो है वो आपको यहाँ पे 3 टाइम खेलना है किसी मोड में। एंड गाइस यहाँ पे आपको 5 एनिमीज को किल करना है, 60 मिनट खेलना है, और गाइस एक गेम आपको अपने फ्रेंड के साथ खेलना है। तो आप इन चारों टोकन को पर डे क्लेम कर सकते हो 16 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक। एंड देन गाइस आप इन्हें एक्सचेंज कर सकते हो इस मेल बंडल में जो कि खतरनाक आपको देखने में लग रहा है। एंड गाइस उसके बाद यहाँ पे कई लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि ये जो जाओज अटैक में बाइक की स्किन हमें दी जा रही है कैसे मिलेगी। तो गाइस जिस इवेंट में आपको ये बाइक की स्किन दी जाएगी उस इवेंट का इंटरफेस आप लोग यहाँ पे देख लो जिसका नाम है जाओज अटैक करके। यहाँ पे गाइस आपको फाइट करनी होगी वेनम से, जैसे कि आपको पता है कोनाइट इवेंट आया था तो इस टाइप का इवेंट आएगा। एंड गाइस आपको यहाँ पे डिफीट करना है, देन गाइस आपको यहाँ पे बाइक की स्किन जो है बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। और गाइस फ्री फायर में एक इवेंट आया जिसका नाम है पिक योर साइड करके, तो यहाँ पे कई लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई ये जो हेलोवीन वाली हमें पेन की स्किन दी जा रही है कैसे मिलेगी। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख लो राउंड आपको दिया गया है, तो आपको यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है कि कौन सी टीम बेटर खेलेगी, किसके पॉइंट ज्यादा रहेंगे, वो यार यहाँ पे आपको तुक्का फीट डाल देना है एंड जो होगा वो देखा जाएगा। यार यहाँ पे तो मैंने उल्टा सीधा कर दिया, जैसा कि आप लोग ऊपर देख सकते हो लिखा हुआ है पिक द साइड हु विल स्कोर मोर पॉइंट इन ईच राउंड ऑफ द ग्रैंड फाइनल, पिक द साइड विद मोर पॉइंट फॉर 3 राउंड एंड विन द ग्रैंड प्राइज। तो यार यहाँ पे सब कुछ आपके प्रेडिक्ट के ऊपर होगा, मतलब आपको अनुमान लगाना है, अगर तुक्का आपका ठीक है तो भाई ठीक है। एंड गाइज अगर आपके यहाँ पे 3 तुक्के ठीक चले जाते हैं तो गाइज आपको यहाँ पे जो पेन की स्किन है वो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, आप उसे इजीली क्लेम कर सकते हो। और गाइज यहाँ पे कई लोग पूछ रहे थे कि भाई हमें जो यहाँ पे ये मतलब चीज़ें दी जा रही हैं फ्री में, जैसे 400 के लाइव वॉचिंग में एक इमोट दिया जा रहा है और यहाँ पे स्कैलर दिया जा रहा है, ये हमें 20 टन पैड दिया जा रहा है, M4A1 की स्किन दी जा रही है, इनमें से कौन सी चीज़ बेस्ट है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ ये चारों के चारों चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी हैं। अब गाइज यहाँ पे बेस्ट चीज़ क्या है तो ये मैं आपको देता हूँ भाई, यहाँ पे बेस्ट चीज़ वही है जिस चीज़ की आपके पास कमी है। अगर आपके पास पैड कलेक्शन अच्छा नहीं है तो आप पैड ले सकते हो, कैरेक्टर कलेक्शन अच्छा नहीं है तो अगर आपके पास स्कैलर है तो भाई स्कैलर क्यों लोगे, ठीक है वो तो फालतू की बात होगी ना, अगर स्कैलर नहीं है तो भाई ले लो। लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, जो भी मेरी गेस्ट आईडीज है उन सब पे मैं स्कैलर क्लेम करने वाला हूँ, क्योंकि यार स्कैलर को लेके जब मैं कस्टम में खेला ना भाई अलग ही लेवल मजा आया, क्या ही बोलूँ मैं। अगर मैं जोन के पास जाता हूँ ना और मेरी हेल्थ 10-15 के आसपास है, ग्लू वॉल लगा लगा के बचा लो और अपनी हेल्थ भी फुल कर लो, तो इसलिए मुझे यहाँ पे बेटर लगा स्कैलर। और गाइज अगर आप अपने इमोट बढ़ाना चाहते हो तो यार इमोट के लिए आप लोग यहाँ पे क्लेम कर सकते हो 1 फिंगर पुशअप वाला अगर आपके पास नहीं है तो। और ये M4A1 की स्किन मेरे पास ऑलरेडी है लेकिन ज़्यादा खास भी नहीं है, रेट ऑफ फायर डबल इंक्रीज है और एक्यूरेस इंक्रीज हो चुकी है। तो भाई जिस चीज़ की आपके पास कमी है आप उसे ले सकते हो यहाँ पे, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड चलो गाइज अब बात कर लेते हैं अपने दिवाली इवेंट के ऊपर। तो यार मैं आपको सबसे पहले बता दूं आपको नवंबर से फीलिंग आने लग जाएगी दिवाली इवेंट की फ्री फायर में, क्योंकि यार फ्री फायर वालों ने अब की बार कुछ अलग ही डिसाइड किया है दिवाली इवेंट को लेके, वो यार कुछ अलग ही तबाही यहाँ पे करने वाले हैं दिवाली इवेंट में। एंड आपको पता होगा कुछ अलग अलग चीज़ें रिटर्न भी आती हैं और गाइस यहाँ पे धमाकेदार चीज़ें आपको फ्री में भी देखने को मिलती हैं। तो यार यहाँ पे मुझे लग रहा है ब्लैक टी शर्ट रिटर्न आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है ब्लैक टी शर्ट रिटर्न आने के। बट यार मैं क्या ही बोलूँ, अभी तो ड्रैको एक ही रिटर्न नहीं आई है। और गाइस आप लोग जो स्क्रीन पे इमोट देख रहे हो राम राम वाला, ये भी यार आपको दिवाली इवेंट के आसपास देखने को मिल सकता है। अब ये
पता नहीं है कि आपको फ्री में मिलेगा या स्टोर में मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपको देखने को मिल सकता है। अभी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये भी आपको देता हूँ। तो भाई देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये राम राम कर रहा है बंदा, और दिवाली इवेंट किस चीज़ के रिगार्डिंग बनाया जाता है ये अभी आप सभी को पता है। तो यार यहाँ पे राम राम वाला जो इमोट मैं कह रहा हूँ ये आपको देखने को मिल सकता है दिवाली इवेंट के आसपास। और गाइस जब बात कर लें यहाँ पे और भी क्या चीज़ें आपको फ्री में देखने को मिलेंगी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था एक बंडल है, तो यार ये जो बंडल है आपको दिवाली इवेंट पे बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, 90% तो कन्फर्म है। बाकी फ्री फायर वाले यार कुछ भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यार फ्री फायर वालों के जो मॉडरेटर होते हैं, लीग्स प्रोवाइड जो करते हैं, उनसे बहुत थोड़ी बहुत अनबन होती है, तो इवेंट भी चेंज कर देते हैं उसके बदले उसके लिए। तो ये और भी कई सारी चीज़ यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि मुझे लीग्स के मुताबिक पता लगा है, जो बंडल आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो ये आपको फ्री में मिलेगा दिवाली इवेंट पे। और गाइस जो आपके बंडल यहाँ पे रिटर्न आने वाले हैं मैजिक क्यूब स्टोर में, वो भी आप लोग यहाँ पे देख लो। सबसे पहले तो नाइट क्लाउन वाला बंडल हो गया, और एक बैंडेड बंडल यहाँ पे हो गया, और एक गाइस वैम्पायर बंडल की यहाँ पे हाई चांसेस बनने हैं मैजिक क्यूब स्टोर में आने के। और गाइस यहाँ पे एक बड़ी चीज तो रहेगी जो कि मैंने आपको बताई नहीं, और गाइस वो है यहाँ पे मैजिक क्यूब। मतलब आप सभी को पता है हर बार हमें मैजिक क्यूब बिल्कुल फ्री में मिलता है दिवाली इवेंट में, तो इस बार भी हमें मैजिक क्यूब बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ आपके पास कितने मैजिक क्यूब हैं और कितने मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट आपके पास पड़े हैं इस टाइम। तो यार ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये आपको दिवाली इवेंट में बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेंगी। बाकी यार यहाँ पे और भी चीजें जो कि आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाली है दिवाली इवेंट में, वो मैं आपको अगले वीडियो में कवर करूंगा, एंड इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो यार यहाँ पे कुछ चीजें कन्फर्म नहीं है, एंड कुछ चीज कन्फर्म है, जो चीज कन्फर्म थी वो मैंने आपको बता दी। एंड बाकी मैं और भी वीडियोज लाऊंगा दिवाली इवेंट के ऊपर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। और गाइस अगर कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग मुझे कमेंट में जोर से बताना। एंड उम्मीद करूंगा गाइस आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।